नहीं, ये उसकी दीवार है और जर्मनी का ये दूसरा कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहूदियों का कब्रिस्तान है। ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इन पर उन यहूदियों के नाम दर्ज हैं जिनको पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में कत्ल किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और फरमाया कि कोई कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसको गिरा दो। लेकिन हमारे आप कब्रिस्तानों को देखो, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है एक कब्र पे। तो बहुत ही एक कदीम हिस्टोरिकल प्लेस पर हूँ। ये जो ये कब्रिस्तान है, ये उसकी दीवार है और जर्मनी का ये दूसरा कदीम तरीन कब्रिस्तान है और यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर हिटलर ने यहूदी बहुत कत्ल किए थे और उसे एक जालिम की हैसियत से देखा जाता है यहूदियों के हक में। जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है तकरीबन 1918 के लगभग में, तो जर्मनी को फ्रांस और ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था उस जंग अजीम में और जर्मनी बहुत ही बदहाली का शिकार हो गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि लकड़ियों की जगह ना लोगों ने करेंसी को जलाना शुरू कर दिया था। करेंसी इतनी डीवैल्यू हो गई थी, बोरे भर के लेके जाते थे प्याज टमाटर खरीदने के लिए। ये जो हिटलर है, इसने ठानी थी कि मैं अपनी कौम के लिए लड़ूंगा और इंतकाम लूंगा। सियासी सतह पे से पहले इसने बगावत की कोशिश की, बगावत में यह नाकाम हुआ, इसको 9 महीने की जेल हुई। उस जेल में इसने किताब लिखी, तो इसकी मशहूर किताब है, और उसमें उस किताब में उसने ये साबित किया कि यानी ये साबित करने की कोशिश की कि जर्मन दुनिया की बेहतरीन कौम है। और चूंकि यहाँ डार्विन के नज़रिए से ये लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, तो उसने ये साबित करने की कोशिश की कि जर्मन जो है ना, जो इंसान जो इर्तिकाई मराहिल तय करते करते जानवर से इंसान बना है, तो जर्मन है वो सबसे सुपीरियर है। लिहाजा उसका ये कॉन्सेप्ट था कि दुनिया पर हुकूमत करने का हक जर्मन को है। खैर बगावत नाकाम हुई, उसकी वो किताब भी बहुत ज़्यादा नहीं फैली, बाद में खैर वो किताब तो बहुत ज़्यादा छपी। कहा जाता है कि शायद अभी 2011 या 16 में भी दोबारा उस किताब को छापा गया और लोगों ने पढ़ा उसको। लेकिन उसने जर्मन कौम को कौमी सतह पे सुपीरियर बनाने की कोशिश और अज़म किया उसने। फिर इलेक्शन में आया, वो इलेक्शन में हारता रहा, कामयाबी उसका मुकद्दर थी। बिल आखिर वो एक ज़बरदस्त हाकिम बन गया अपनी कोशिशों से। प्रोपेगंडा भी उसने किया कौम को उठाने के लिए, अपने मुखालिफ लोगों पे बहुत जुल्म किया, जो उसकी मुखालफत में उठता था एक डिक्टेटर बन गया, उसने सबको कत्ल करना शुरू कर दिया। अपनी किताब में भी उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया और उसकी तहरीक का एक हिस्सा थी कि दुनिया से ज्यूज को ख़त्म करना है। और उसके बाद उसने ज्यूज पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू किया। यहाँ एक जगह है, अगर हमें मौका मिला हम वहाँ जाएंगे, एक बहुत बड़ा देगचा है, देगड़ा जिसको यहाँ हमारे पंजाबी लोग जो है ना देगड़ा कहते हैं, जो बहुत बड़ा देग था जिसमें जिंदा यहूदियों को लाके खोलते हुए की कढ़ाई में डाला जाता था। वो अभी भी मौजूद है, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस में आती है वो चीज़ें, ये सब यहाँ इन लोगों ने महफूज कर दिया। हिटलर उठा और उसने फ्रांस पे कब्जा किया, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज पे कब्जा किया, लाखों लोगों को लुकमे अजल बनाया उसने। जब वो बरतानिया के करीब पहुंचा है लड़ाई के लिए, तो ब्रिटिश के से उसको फतह नहीं मिल सकी और उसने फिर इरादा किया रशिया पे चढ़ाई करने का। उसका उसके लोग ये कहा करते थे कि हम 1000 साल दुनिया पे हुकूमत करेंगे। उसके लोगों में इताअत बहुत थी अपने लीडर की। जब ये रशिया की तरफ गया है, तो वहाँ शदीद सर्दी की वजह से मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसको रशिया की फौज को वो शिकस्त नहीं दे सका, और वहाँ से जो उसने यूटर्न लिया है, तो फिर ऐसा यूटर्न लिया है कि वो वापस जर्मनी आया है। और जो मशहूर बात मुअर्रिखीन अक्सर उसके बारे में ज़िक्र करते हैं कि उसने अपनी महबूबा के साथ बंद कमरे में जाके खुदकुशी की, और उसकी लाश को या तो रशियन उठा के ले गए या जला दिया गया, वल्लाहु आलम। ये बहुत ही मुख्तसर सी मैंने आपके सामने खाका बयान किया है। आप ज़ाहिर इस पर तो बहुत किताबें लिखी गई हैं, पूरी पूरी फिल्में बनाई गई हैं, लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा इस बारे में मालूम आ। तो ये मैंने थोड़ा सा खाका हिटलर का आपके सामने पेश किया है। और उसके बाद फिर दोबारा जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हुए। यहाँ के मकामी लोग बताते हैं, जो बूढ़ों से सुनते हैं, कि एक आलू ख़रीदने के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे और सारा दिन एक आलू पर गुजारा किया करते थे यहाँ के लोग। हिटलर जो था वो दूसरी जंग अजीम की बुनियाद बना था। और मैंने
अल्लामा इकबाल के व्लॉग में एक बात बताई है कि अल्लामा इकबाल जर्मनी के हालात देख के पहले ही पेशगोई कर चुके थे कि दुनिया दूसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है। तो हिटलर ये दूसरी जंग अजीम का जरिया बना, बहुत दुनिया में तबाही हुई, लाखों लोग लुकमय अजल बने, बहुत से डिप्रेशन में पागल हो गए, बहुत से फौजी पागल हो गए, जेलों में बड़ा जुल्म हुआ और ख़ास तौर पर उसने यहूदियों को बेतहाशा कत्ल किया। फिर जब जर्मनी में बदहाली आई है जंग में शिकस्त के बाद, तो इस कौम यानी आप अंदाज़ा लगाएं 1957 या 50s के आसपास पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्ज़ा दिया था। यानी यहाँ या तो हमारे हालात बहुत अच्छे थे या जर्मनी के हालात बहुत ख़राब थे, बहरहाल लेकिन इस कौम ने मुत्तहिद होकर ये फैसला किया कि अब हम जंगो जिदाल में लड़ाई झगड़ों में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय मुत्तहिद होकर अपनी सोसाइटी को और अपने कंट्री को हम फोकस करेंगे और इकोनॉमिकली हम अपने कंट्री को मजबूत करेंगे। कौम मुत्तहिद हुई और आज उसके हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जर्मनी कितना स्टेबल है। लेकिन ज्यूस के साथ चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा इन्हीं के बकौल ज़्यादती की गई है, तो अब ज्यूस को ये लोग अलग से कुछ प्रोटोकॉल देते हैं, टैक्स वगैरह में उनके लिए माफ़ी है। यहाँ आपको यहूदियों की एक अजीब तारीख नज़र आएगी, आप ये कब्रिस्तान देख के हैरान हो जाएंगे। इसमें ये जो तख्तियाँ मैं दिखाता हूँ लोगों को, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इन पर उन यहूदियों के नाम दर्ज हैं जिनको पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में कत्ल किया गया था। ये कब्रिस्तान है इस दीवार के पीछे। अगर हमें परमिशन मिल गई तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, हमने बहुत सारी जगहों पे जाना है, तो मेरा इरादा दोबारा आप यूरोप का चक्कर लगा के ना बहुत ही तसल्ली से इंशाल्लाह हम यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएंगे। और यहाँ बहुत सारी जगह हैं जहाँ हिटलर खड़े होकर खिताब किया करता था। इन लोगों ने अपने अजायब घर, अपने म्यूज़ियम को महफूज किया, उन इमारतों को महफूज किया है जिसका भी हिस्ट्री से कोई गहरा ताल्लुक है। तो ज्यूस की एक ख़ास यहाँ पर एक हिस्ट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा यहूदी थे। आप ये देखें, ये इन लोगों ने क्या किया, जिस जिसको भी कत्ल किया गया है ना, और पहली जंग अजीम में या हिटलर ने जिनको मारा है, जिनकी खबरें यहाँ पर, उन सबके नामों की तख्तियां ये छोटी छोटी, ये वहां तक आप देखें, ये देखें उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है ना वो यहाँ दर्ज हुई है सबके नाम के साथ। ये बहुत लंबा कब्रिस्तान है और पूरी दीवारों पर उनके नाम दर्ज हैं। मैं एक आपको बताता हूँ, ये 1924 में, और ये जनाब आप देख सकते हैं 1872। अच्छा यार ये तो जबरदस्त हो गया, ये बड़ी लंबी दीवार है कब्रिस्तान की और सबके नाम इस पे दर्ज हैं। किलोमीटर है कोई, ये आपके लिए स्पेशली शेड हटवा, अरे वाह 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 वाह, कि आपको उनसे रिक्वेस्ट करके शेड हटा दो, जरा देखिए दिखाएं इनको, सिग्नल ले जाए हाथ ले जाए, ये देखें आप ये कब्रिस्तान, ये वाला जरा मुझसे वाला। अच्छा, इस कब्रिस्तान पे भी फजाई बमबारी करके इस कब्रिस्तान को भी तबाह करने की कोशिश की गई थी। ये सब लोग यहां मरे हैं, ये सारी कब्रें हैं असल में जिनके मिसमार हो गई हैं। हमारे यहाँ जैसे फूल पत्तियां नहीं डालते हैं आके विजिट करते, हमारे यहाँ अहले बिदत को इबरत हासिल करनी चाहिए कि इनकी कब्रें एक बालिश से ऊंची नहीं है, कोई बड़े बड़े मजार नहीं बने हुए। ईसाइयों के कब्रिस्तान भी मैंने देखे हैं, मिट्टी की सादा कब्रें होती हैं जो मैंने देखे हैं, वल्लाहु आलम मैं पूरी दुनिया में नहीं गया हूँ, यहूदियों को भी। लेकिन हमारे आप कब्रिस्तानों को देखो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहे हैं कब्र पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और फरमाया कि कोई कब्र एक बालिश से ऊंची नजर आए उसको गिरा दो। तो ये जो कब्रों को पक्का करना और बड़ी बड़ी उस पर यानी बहुत ऊंचा ले जाना ये सही नहीं है। अब आप देखें इनकी कब्र पे सिर्फ एक तख्ती है और सादा कब्र है, और ये कब्रिस्तान देखो आप, तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पक्की कर करके पूरे पूरी बिल्डिंगें बना दी हों। खैर, तो जब फजाई बमबारी हुई तो उसके बाद फिर इस जगह को महफूज किया गया और जो बम से जो चीजें जिस तरह से तबाह हुई थी उनको भी एज इट इज रहने दिया गया। आप इन कबर इसके ऊपर ये पत्थर देख रहे हैं जो कि आपको नहीं दिखे, इसका कॉन्सेप्ट ये है इन लोगों कबर के ऊपर पत्थर है छोटे छोटे, हाँ, ये जो तख्तियों के ऊपर तख्तियां, प्लस इधर आपको क्वाइन दिखेगा,
इनका ये कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारी कब्रिस्तान में हम लोग विजिट करते हैं अपनी कब्र को और पतियां डालते हैं ना, फूल हाँ, पतियां हम तो नहीं डालते, लोग डालते हैं। हाँ वही लोग, मतलब हमारे वहाँ का एक ट्रेंड है जी। तो वो जब पतियां डालते हैं, इट्स मीन किसी ने रिसेंटली विजिट किया इसको जी। तो ये दीज आर द थिंग्स जो जिन जिन्होंने अभी रिसेंटली विजिट इनके लवाइकीन ने कर कर गए होंगे, ये उनका ये इनका एक निशानी और ये कॉन्सेप्ट है, ये पत्थर इधर रख के चलेगा, इट्स मीन ये रिसेंटली विजिट करके गए। सही, हमारी बहुत कब्रें हैं जो बिल्कुल खंडर हो जाती है, ना जिसमें कोई फूल ना पत्ती, तो एक हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने कहा आपको, लोगों को भी पता चले इस बारे में कि जितने लोगों ने विजिट करते जा रहे हैं वो ये पत्थर रखते जा रहे हैं। अच्छा ठीक कादिर भाई, वो जो जगह जो देगड़ा है ना, वो मतलब काफी दूर है, दूर है यहाँ से, नेक्स्ट विजिट में इंशाल्लाह। एक हेरिटेज साइट है जहाँ ना वो रखे हुए, जहाँ जहाँ पहले लोग रखे जाते थे, जो जेल थी हाँ, जहाँ खिताबात होते थे, वो पूरी एक वो जेलें भी महफूज हैं, जहाँ बड़ा जुल्म होता था जंगी कैदियों पर, बहुत ज्यादा जुल्म होता था, और मतलब उसकी एक बहुत खतरनाक और मतलब लड़ा देने वाली जो ना वो कहानी है। सही सही सही, ये नाम है वो उधर तक, नाम ही नाम। अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल यह था कि हिटलर को एक बड़ा हीरो समझा जाता होगा, गाली है तो इस कौम का एक बड़ा वो समझा जाता है, तो यहाँ ये जो मकामी लोग कह रहे हैं कि एक अच्छा उससे नहीं देखा जाता हिटलर को, एक ऐसा जो जुल्म हुआ है उस हिसाब से जो है ना वो कोई उठा था वो अपनी कौम के जुल्मों का इंतकाम लेने के लिए, लेकिन वो खुद एक जालिम बन गया, जालिम उल्टा। देखिए ना, देगों में डाल डाल के लोगों को जलाना ये कोई इंसानियत वाला काम तो नहीं है ना। तो अच्छा हिटलर की जो कामयाबियां थी ना, जो शुरू में तो उसको बहुत जबरदस्त फुतूहात मिली है, पूरा यूरोप ही तकरीबन उसके कब्जे में आ गया था, फिर बरतानिया से उसकी लड़ाई हुई और वो बरतानिया को फतह नहीं कर सका और वहां से रिवर्स होके रशिया पे चढ़ाई की उसने। लेकिन एक बात है कि जो हिटलर की जो दूसरी जो जंग अजीम का जरिया बना था, उस जंग अजीम से पूरी दुनिया का के हालात एकदम चेंज हो गए थे। बरतानिया हिटलर से जर्मनी से लड़ा तो है, लेकिन उस लड़ाई के नतीजे में बरतानिया भी बहुत कमज़ोर हुआ है और उसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश आर्मी बर्रे सगीर से इंडिया से निकल आई और फिर पाकिस्तान और इंडिया ये दो रियासतें आज़ाद हुई, पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से। तो ये जो दुनिया में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है ना, इसका सबब भी हिटलर बना है। यानी ये अगर दूसरी जंग अजीम ना होती तो बेतहाशा जो नुकसानात हुए हैं वो भी ना होते, लेकिन कुछ इसके फ़ायदे भी हुए हैं। फ़ायदे क्या हुए हैं कि जब बरतानिया से उसकी शदीद लड़ाई हुई है तो बरतानवी ब्रिटिश को भी दूसरे जंग अजीम में ना बहुत नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के नतीजे में शिकस्त तो जर्मनी ही को हुई, लेकिन जर्मनी जिन मुल्कों से लड़ा है वो उनको भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ था। उसका फिर नतीजा ये निकला कि बर्र सगीर आज़ाद हुआ और फिर हमें पाकिस्तान मिला। तो जाहिर है जब दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें होती हैं तो बड़े बड़े वाकयात होते हैं। ये कोविड ही को देख लेना आप, कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद के हालात में बड़ा फ़र्क है। तो दुनिया में जब भी कोई बड़ा वाकया रोनुमा होता है तो उसके जहाँ बहुत सारे नुकसानात होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके जैसे फ़ायदे होते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जिन लोगों को कत्ल किया उनको घरों से बाहर निकाल के मारा जाता था, बहुत लोग थे उसमें। तो यहाँ एक आपको फ्रैंकफर्ट में एक अजीब चीज़ नज़र आएगी कि उनके घरों के बाहर तांबे की प्लेटें हैं और उसमें उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो भी और उनका नाम भी वो चश्मा किया गया है, ताकि ये भी एक यादगार रहे कि किन किन लोगों पे यहाँ जुल्म हुआ था, किस किस नाम के लोगों पे। ये मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ। ये देखिए ये घर है ना, अभी यहाँ कोई रहता है? यहाँ लोग रहते हैं हाँ, लेकिन ये कि इन्होंने अभी एक घर देखें आप, और ये देखें आप, ये तांबे की प्लेट है। अब ये जिसको यहाँ कत्ल किया गया था ना, जिस तारीख को कत्ल किया गया था 1942, 16 दिसंबर 1942, और ये नाम लिखा हुआ है रिचर्ड वगैरह वगैरह। यानी ये भी इन लोगों ने महफूज किया, ये दोनों फैमिली मेंबर थे ना, रिचर्ड ब्रिटनफील्ड, ओल्गा ब्रिटनफील्ड, ये दोनों हाँ, शायद बाप बेटे थे या। तो ये ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, बहुत सारे घर बहुत सारे घर हैं जिनके
यानी जिन लोगों पे जुल्म हुआ है ना उनकी भी यादगारें इन्होंने महफूज रखी हुई हैं, मतलब इंसानियत, एक इंसानियत के नाते। ये आप जर्मनी में देख रहे हैं, ये डंडा जो है ना, ये बंदा है हथौड़ा उठा रहा है और ऐसे हथौड़ा नीचे मारेगा। ये सिंबल ऑफ हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग, कि हम मेहनती लोग हैं। ये देखें, ये हथौड़ा मारेगा अभी। हमारे यहाँ भी हथौड़ा मार ग्रुप आया था ना, खैर हथौड़ा मारेगा ये। ये इन्होंने एक निशानी लगाई हुई है, एक हार्ड वर्किंग की एक अलामत है के तौर पर।